हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप इमो स्टूडियो को किसी एक को किस तरीके से दिखा सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि जब भी आप इमो पे स्टूडियो लगाए वो केवल एक ही इंसान को दिखाई दे, तो आप ये सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के आगे क्यों ले जाते हुए। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, इमो ऐप पे स्टूडियो सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी इमो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे आपका इमो ओपन हो जाए तो सबसे ऊपर में आपको अपना प्रोफाइल मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप इमो ऐप पे जब भी स्टूडियो लगाएं वो केवल एक ही इंसान को यानी कि एक ही पर्सन को दिखे, तो इसकी सेटिंग करने के लिए सबसे ऊपर में आपको क्रॉस का ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पे आपको क्लिक कर देना है। एंड गाइस, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, सबसे ऊपर में आपको ऐड स्टोरी का एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे जो भी स्टोरी को लगाना चाहते हैं अपनी इमो ऐप पे, फोटो या वीडियो को जिसको भी आप अपनी इमो की स्टोरी में लगाना चाहते हैं, आपको उस पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं अगर इस फोटो को अपनी इमो की स्टोरी में लगाऊंगा तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। लेकिन गैस, यहाँ पे सेटिंग आपको ये करना है कि अगर आप अपनी इमो स्टोरी को किसी एक ही पर्सन को दिखाना चाहते हो, तो गैस ये स्टेप करने के बाद सबसे नीचे में आपको हु कैन सी का एक ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको हु कैन सी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड गैस, उसके बाद यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे ऊपर में आपको एवरी वन का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो तो आपका इमो स्टोरी सबको ही देख सकता है, चाहे वो आपके कॉन्टैक्ट में ऐड हो चाहे वो आपके कॉन्टैक्ट में ऐड ना हो। उसके बाद सेकेंड नंबर पे माई कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो आपके फोन में जितने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं वो सभी आपका इमो स्टोरी देख सकता है। लेकिन गैस, अगर आप यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हु कैन सी वाले ऑप्शन में, तो अगर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो गैस, यहाँ पे आप जिसको भी अपना स्टोरी को दिखाना चाहते हो तो केवल आपको उस पे क्लिक कर देना होगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज अगर मैं अपनी इमो स्टोरी को इस वाले पर्सन को दिखाना चाहूँगा तो मैं सिंपली यहाँ पे इस पे टिक कर दूंगा कुछ इस प्रकार से। एंड गैस, इस पे टिक करने के बाद नीचे में आपको सही टिक का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड गैस, उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे में पोस्ट का ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो आप जैसे ही पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका इमो स्टोरी यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। एंड गैस, ये जो स्टोरी है केवल उसी को दिखेगा जिसको आपने यहाँ पे टिक लगाया। इसी तरीके से आप अपनी इमो स्टोरी को किसी एक पर्सन को दिखा सकते हैं। तो गाइस, आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर हेल्प मिली होगी। गाइस, अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।